क्लियर। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट था P, इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, और आपको इस टेंजेंट की क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है कि क्या आएगी। ओके, इस टेंजेंट की क्या बतानी है आपको, इक्वेशन बतानी है। अच्छा, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है बच्चों, उससे तो हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाते हैं भाई। ये जो P पॉइंट है वो तो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। क्लियर। तो अब देखना है कि उन दोनों टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा। ओके, तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो मैंने मान लिया यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। ओके, अच्छा, अगर आपको इस लाइन का स्लोप पता लग जाए तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, हाँ या ना? सच्ची सच्ची बताओ एकदम। मैं किसी से नहीं कहूँगा अगर आप ना बोलोगे तो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि सर नहीं लिख पाएंगे तो। लेकिन अगर मैं आपको स्लोप दे दूं तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, हाँ भाई लिख सकते हो, वेरी गुड। ठीक, तो यार लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट इज इक्वल्स टू एम। मैंने मान लिया कि इस लाइन का जो स्लोप है या जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप क्या है, एम है बच्चों। अगर इसका स्लोप एम मैंने मान लिया है तो अब देखो क्या करने वाले हैं। मुझे पता है कि यार टेंजेंट की इक्वेशन फॉर दिस सर्कल क्या हो सकती है, ठीक है ना, इस सर्कल के लिए इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो सकती है, तो वो होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर वन प्लस एम स्क्वायर का रूट, हाँ या ना? हाँ भाई पार्थ, ये होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, यही होगी। आराम से सोच के बताओ, आराम से ये होगी अगर स्लोप एम मान लिया तो। पॉइंट पॉइंट पी एच कोमा के विल लाई ऑन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन पे एच कोमा के लाई करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, करेंगे। अगर टेंजेंट की इक्वेशन ही है तो इस पे एच कोमा के लाई करेंगे करेंगे, तो इसका मतलब एच कोमा के से सेटिस्फाई करेगा, तो के इज इक्वल्स टू एम एच प्लस माइनस आर वन प्लस एम स्क्वायर का रूट, हाँ या ना? एक एक धीरे धीरे से समझते जाओ प्रेम से एकदम, ठीक है ना, स्मूथली ऐसे प्यार से, है ना। तो ये आ गया भाई, ये के था, है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, के माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस आर वन प्लस एम स्क्वायर का रूट। ओके, थोड़ा नई चीज़ हो सकती है, लेकिन आपने स्क्वेयरिंग का नाम सुना है क्या? बहुत से लोगों के लिए नया हो सकता है, स्क्वेयरिंग का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? तो मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया तो कितना हो जाएगा, के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। ओके, हाँ भाई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? टॉपिक का नाम है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये आ गया अपने पास यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसमें क्या है, इसे ओपन कर लिया यार मैंने, इसे ओपन कर दो आप, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज़ के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का टू के एम एच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। सभी टर्म को एक तरफ ले आओ, सभी को मैं एक तरफ ले गया तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा मेरे पास टू के एम एच, या फिर इसे मैं ऐसे लिख दूँ टू के एच इंटू एम, और प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम, ठीक है। ये जो इक्वेशन सेकंड आई है मेरे पास, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम। भाई एम क्या माना था, एम आपने स्लोप माना था, एम आपने क्या माना था, स्लोप माना था। क्लियर। तो अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम आ गई, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम आ गई तो यहाँ से आप एम वन एम टू की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे भी मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर यहाँ पे पी पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, एक ये और एक ये, दो। अब ये दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो दो स्लोप आएंगे, तो ये क्या है, टॉपिक क्या था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, ये। तो यहाँ से दो स्लोप आ जाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेट एम वन एंड एम टू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड। अगर आपके पास एम वन एम टू है तो क्या आप यहाँ से एम वन एम टू निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्या आप यहाँ से एम वन एम टू निकाल सकते हो बच्चों, हाँ या ना, क्लियर भाई, ओके, बात आ गई समझ में, ये अपने पास आ गया। अब आप यहाँ से देख लेना यार m1 प्लस m2 कितना आएगा, ये तो पता ही है ना आपको, m1 प्लस m2 कितना आएगा, m1 माइनस m2 कितना आएगा, मेरे ख्याल से इतना तो आप इजीली कर ही लोगे अब, ठीक है ना। लेट से मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एंड m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, ये तो यार बच्चे बच्चे को पता है, आप तो फिर भी इतने होशियार बच्चे हो, ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को पता है ये बात, तो है ना, ठीक है, ये आ गया। चलिए तो ये कंडीशन आ गई, ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें करके देखते हैं क्या आएगा। M1 M2 आप अपने हिसाब से निकाल लेना जिस भी तरीके से, ओके। अगर मैंने आपसे बोला कि इफ़ द टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो टेंजेंट्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी, क्लियर। फर्स्ट चीज़ मैंने इसमें क्या बोली, इफ़ टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इफ़ टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन लोकस ऑफ पी, पी पॉइंट का लोकस क्या आएगा फिर, इफ़ द टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द लोकस ऑफ द पी कितना आएगा भाई, इफ़ टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द लोकस ऑफ पी, अगर टेंजेंट्स आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो लोकस कितना आएगा पी पॉइंट का, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा भाई, तो m1 इंटू m2 क्या माइनस वन होना चाहिए कि नहीं, अगर दोनों टेंजेंट्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो क्या m1 इंटू m2 माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बताओ, और ये हो जाएगा फिर k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। नाउ यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, वैसे भी पता है आपको अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या आता है, डायरेक्टर सर्कल, याद है ना आपको पढ़ाया था डायरेक्टर सर्कल, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आते हैं तो डायरेक्टर सर्कल आता है, याद है आपको, तो डायरेक्टर सर्कल यही तो होता है भाई, डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, यही तो होगा डायरेक्टर सर्कल, क्लियर। आगे बात समझ में नहीं आई भाई, तो ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, क्लियर। डायरेक्टर सर्कल पढ़ाया था ना, डायरेक्टर सर्कल होता ही क्या था, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, कितने लोगों को बात समझ में आ गई एक बार बता दो भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है, ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट, अगर मैंने आपसे बोला कि स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज ट्वाइस ऑफ अदर, स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज ट्वाइस ऑफ अदर, अगर एक टेंजेंट दूसरे का ट्वाइस हो तो क्या होगा, अगर एक टेंजेंट का स्लोप जो है वो दूसरे का ट्वाइस है तो कौन सी कंडीशन आएगी, यानी कि m1 इज इक्वल टू m दिया हुआ है
एंड एम टू इज इक्वल टू 2m दिया हुआ है, तो m1 प्लस m2 जो है वो कितना आ जाएगा, कितना था m1 प्लस m2 अपने पास यहाँ से, दैट इज माइनस प्लस का 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये कितना था 2kh अपॉन नीचे क्या था एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3m इज इक्वल्स टू 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन यहाँ पे इस केस में। m1 इंटू m2 कितना था अपने पास, ठीक है ना, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया भाई अपने पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके नाउ मैंने क्या किया, इक्वेशन वन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड कर दिया। तो ऐसा किया तो क्या हो जाएगा अपने पास, 9m स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, ये से कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, और इससे इस स्क्वायर से ये कंप्लीट कैंसिल, तो अपने पास फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, फाइनली अपने पास यहाँ पे बच जाएगा 9 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर। अब आप इसे सॉल्व कर लेना यार, जो भी आंसर आएगा द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। अगर वो लोकस वगैरह पूछ रहा है तो x और h की जगह रिप्लेस कर देना एक्स वाई से, ठीक। और अगर कोई कंडीशन पूछ रहा है तो कंडीशन के लिए ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर बस, ठीक है। 9/2 4 एक्स स्क्वायर, मतलब अगर एक लोकस पूछ रहा है तो एक्स वाई में रिप्लेस कर देना बस, ठीक है। बात आ गई समझ में। अच्छा इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में भी किया था, याद है आप लोगों को, सेम यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट पेयर ऑफ लाइन बताया था आपको, पेयर ऑफ लाइन के अंदर फिर मैंने बोला था आपसे किस तरीके से आप अगर एक जो है वो एन टाइम्स है, ठीक है, याद आ रहा है आपको। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, m1 प्लस m2 एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन था, ठीक। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई, कितने लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, सर इसकी असाइनमेंट कहाँ भेजी है, इसकी असाइनमेंट तो नहीं भेजी अभी, वो तो भेजूँगा मैं अभी, ठीक है, इसका नहीं भेजा अभी। हाँ भाई ये समझ में आ गया आपको, ये वाला किस, अच्छा एक जो पॉइंट है वो मैं आपको क्वेश्चन से समझाना चाहता हूँ, एक जो मेरे पास पॉइंट है वो, तो मैं चाहता हूँ वो आप पहले एक क्वेश्चन करो तब वो पॉइंट समझो और उसे नोट में लिखो फिर अगला जो पॉइंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो और इसे करने की कोशिश करो, ठीक। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी पॉइंट 2,7 टू द सर्कल x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 27। सर्कल कब खत्म होगा सर, सर्कल थोड़ा बहुत और रह गया यार, हो ही जाएगा खत्म, क्यों चिंता कर रहे हो आप, तो पूरा पढ़ते जाओ ना।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल. इस पॉइंट से इस सर्कल पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है बच्चों. टेंजेंट की इक्वेशन तो आपको पता ही है, क्या लिखोगे इसकी, वाई की जगह पे वाई है और एक्स की जगह पे एक्स माइनस सेवन है, ठीक है ना. स्लोप एम मान लो. तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट स्लोप इज एम, ठीक है ना. मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, लेट स्लोप इज इक्वल टू एम. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सेवन प्लस माइनस आर इज व्हाट फाइव वन प्लस एम स्क्वायर का रूट. ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर वन प्लस एम स्क्वायर. एक्स की जगह पे एक्स माइनस सेवन है तो एक्स माइनस सेवन रख दिया, एक्स की जगह पे एक्स माइनस सेवन है तो एक्स माइनस सेवन रख दिया. ओके बताओ भैया आप आगे. अरे ये इक्वेशन कैसे लिखी यार, ये तो सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन बताई तो थी स्टार्टिंग में ही. क्या करते हो यार तुम लोग, नोट्स प्रॉपर नहीं बनाते हो क्या, क्या लिखा हुआ भाई है, क्या है ये, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस आर वन प्लस एम स्क्वायर का रूट. वाई माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा, ठीक है. ओके नाउ जो पी पॉइंट है वो इस टेंजेंट पे लाई करना करेगा, तो 2,7 को इस पे लाई करा दो. पॉइंट पी 2,7 लाइज ऑन इक्वेशन नंबर वन. इस वन इक्वेशन पे लाई करेगा, यानी कि 7 इज इक्वल टू एम एक्स की जगह 2 माइनस सेवन प्लस माइनस फाइव वन प्लस एम स्क्वायर का रूट. ओके नाउ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड 25 1 प्लस एम स्क्वायर. अब थोड़ा ध्यान से समझो यार सभी लोग, यहाँ पे ना मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है. ये क्वेश्चन कराने का मेरा जो मेन एम था ना वो यही था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है. और आगे वो हर एक चैप्टर में काम आएगा, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो आगे, है ना, इससे मिलता जुलता. तो अब मैंने जब इसे ओपन किया तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 5 25 एम स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 70m इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 एम स्क्वायर. तो कितने लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि सर ये जो 25m स्क्वायर से 25m स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि 25m स्क्वायर से 25m स्क्वायर कैंसिल हो गया. हो गया कि नहीं हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया. अब यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, बचा क्या मेरे पास 49 प्लस 70m इज इक्वल टू 25. क्लियर. तो 70m इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस का 49, यानी कि 70m इज इक्वल टू माइनस का 24, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस का 24 बाई 70. क्लियर. इसे सॉल्व कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, इसे दो से काट दो इसे, तो माइनस का 12/35 आ रहा है ये. क्लियर. तो m ये आ गया, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपके पास, m की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो आप फर्स्ट में यहाँ से, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा यहाँ से. या फिर आपके पास स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है, तो आप इक्वेशन, ठीक है ना, बात आ गई समझ में. तो यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एक, अपने पास m कितना है माइनस का 12/35 और पॉइंट p कितना था अपने पास 2/7, आप उठा के रख दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा आपका y माइनस कितना पॉइंट था 2/7, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इज व्हाट माइनस का 12/35 और x माइनस x1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो भी यहाँ से आंसर आएगा, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. क्लियर. अब इसे सॉल्व आप अपने तरीके से कर लेना, जिस भी तरीके से करो, तो ये आपका एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया.
ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्लियर। ओके अब बात ये है, ठीक है, अब ध्यान से समझना कहानी, ठीक है ना। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट क्या है वो समझो आप, ठीक है ना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। चलिए साहब, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि सर्कल अपने पास कुछ इस तरीके से था, जिसके सेंटर जो थे वो 7.0 थे, जिसका जो सेंटर था वो 7.0 पे कहीं लाई कर रहा था यहाँ पे, जो पी पॉइंट था आपका वो यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, कितना जो पी पॉइंट था आपका वो दिया हुआ था 2.7, और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई कुछ इस तरीके से, दैट इज़ द टेंजेंट, क्लियर। ये अपने पास टेंजेंट लाइन है, और इस लाइन की जो इक्वेशन आई है वो आई है अपने पास वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस का 12/35 एक्स माइनस टू, क्लियर। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। ये अपने पास इस लाइन की इक्वेशन आई है, ओके। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पॉइंट एक्सटर्नल है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, कोई बताएगा आप में से, अगर पॉइंट सर्कल से के बाहर लाई कर रहा है तो कितने पॉइंट्स, कितने आपके उसमें ड्रॉ होते हैं टेंजेंट्स, अगर आपका पॉइंट बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, दो टेंजेंट, क्लियर। अगर भाई पॉइंट बाहर, जब भी पॉइंट बाहर लाई करेगा तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर जो है वो कितना आंसर आ रहा है आपका, सिर्फ एक, यानी कि फिर एक आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आंसर तो दो आने चाहिए थे, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो दूसरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है फिर, सर वो ओरिजिन पे आपने 7.0 कैसे लिया, वो तो सर्कल का सेंटर है ना 7.0, तो भाई आंसर टेंजेंट की इक्वेशन दो आनी चाहिए थी इस इक्वेशन को, यानी कि M1 और M2 दो आने चाहिए थे आपके पास, आने चाहिए थे कि नहीं। मैंने आपसे क्या बोला था, दो वैल्यू निकलेंगी, एक M1 की दो वैल्यू निकलेंगी, यहाँ से याद करो आप, ये बोला था, ये रहा यहाँ पे, मैंने बोला था यहाँ पे कि M1 और M2 की दो वैल्यूज आएंगी, तो M1 रख देना एक बार M2 रख देना, आपको दो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ऐसा कैसे हो गया इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने पास सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, एक टेंजेंट का आ गया, क्या इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा या तो ये वाला जो है, या फिर दो टेंजेंट बनेंगे, हमने ही कुछ गलती कर दी है, या फिर अभी हम सुधार सकते हैं अपनी गलती, एम स्क्वायर को काटा इसलिए, लेकिन वो तो कट रहा है ना इसलिए काट दिया भाई, एम स्क्वायर तो ईजिली कट रहा था ना इसलिए काट दिया, कोई गलत काम थोड़ी ना किया है उसमें हमने मैथमेटिकली, ये तो कट रहा था आपस में इसलिए काट दिया, तो फिर दूसरा टेंजेंट क्यों नहीं बना, आप किसका इस बात का आंसर दो आप मुझे कि दूसरा टेंजेंट क्यों नहीं बना फिर, आखिर दूसरा टेंजेंट गया तो गया कहाँ, कोई भी बताएगा इस बात का आंसर, कोई भी, सर एक ही बनेगा क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं बन के लीनियर बन गई है, अच्छा ये पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, आप एक बार चेक करके देखना जरा सर्कल पे लाई कर रहा है क्या, 2.7 सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, 2 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 plus 49, ठीक है, तो 2.7 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अच्छा सुनो अब हुआ क्या है, आखिर आप लोगों ने सोच लिया, आंसर बता दिया मुझे, ठीक है, जो दूसरा टेंजेंट आप बनाओगे ना, जो दूसरा टेंजेंट होगा वो बच्चों कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ से लाइक ये वाला, ये है आपका दूसरा टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट आपका बना है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस थी आपके पास, तो ये परपेंडिकुलर टू द बाई एक्स, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, ये वाला जो टेंजेंट है ना वो कैसा टेंजेंट हो गया, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर टेंजेंट है, यानी कि इसकी जो इक्वेशन आएगी वो x = 2 आ जाएगी,
इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू टू, तो यानी कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होते हैं उनका स्लोप कितना आता है। आप इसे कोई मुझे बताएगा, कोई भी बच्चा ये बताएगा कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होते हैं उनका स्लोप कितना आता है। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का स्लोप इज अनडिफाइंड, परपेंडिकुलर टेंजेंट का स्लोप इज अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होता, यानी कि इन्फिनिटी जैसा कुछ होता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या आप इन्फिनिटी को कभी भी किसी इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल सकते हो? मैथमेटिकली इन्फिनिटी को निकाला जा सकता है कि सर x प्लस टू इक्वल टू इन्फिनिटी देन x इज इक्वल टू फलाना, ठीक है ना। हाँ, 90 डिग्री तो एंगल होता है ना, 90 डिग्री एंगल है तो tan 90 कितना हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना भाई। स्लोप तो tan थीटा होता है ना, एंगल ही तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो अनडिफाइन आएगा, यानी कि tan 90 आएगा। यार इसमें क्या है, tan 90 इज अनडिफाइन, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो इन्फाइनाइट स्लोप को, जो इन्फाइनाइट स्लोप आता है ना आपका अनडिफाइन, इन्फाइनाइट जो इन्फाइनाइट स्लोप आएगा आपका, उसे ठीक है ना, उसे किसी भी इक्वेशन से, उसे किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आई आपको, क्लियर, ये बात समझ में आई। तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या, परपेंडिकुलर टेंजेंट, और परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो ये यहां पे किस जगह पे जा रहा होगा, x इक्वल टू टू है, यहां पे x का कोऑर्डिनेट ये है, x का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पे, टू। तो x का कोऑर्डिनेट अगर 2 है तो x इक्वल टू टू इज द राइट आंसर, क्लियर, बात आ गई समझ में भाई। x का कोऑर्डिनेट 2 है ना इस P पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो हर जगह x 2 ही होगा, तो x इक्वल टू 2 इज द लाइन की इक्वेशन। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका ये m स्क्वायर कट जाए दोनों तरफ से, तो इसका मतलब एक टेंजेंट आपका इन्फिनिटी की तरफ चला गया, क्लियर। तो नोट करके ये बात लिख लो कॉपी के ऊपर सर पे, ठीक है, नोट करके ये बात लिख लो कॉपी के सर पे कि m की वैल्यू फाइंड करते टाइम, ठीक है, कैसे लिखाऊं यार, इंग्लिश में लिखा दूं क्या, क्यों भाई ऐसे ही लिखा दूं या इंग्लिश में लिखाऊं, आप में से किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है, ठीक है ना। m की वैल्यू फाइंड करते टाइम If m square वाला टर्म कैंसल्ड हो जाए तो एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है यार, एम की वैल्यू फाइंड कर रहे हो आप और एम स्क्वायर वाला टर्म अगर आपने काट दिया, ठीक है, एम की वैल्यू फाइंड करते टाइम यहां पे एम स्क्वायर वाला टर्म अगर कट गया तो एक टेंजेंट आपका सीधे सीधे किधर चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे नोट वाली चीज़ जो मैंने थी उसे शॉर्ट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक टेंजेंट अगर गया तो m टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, क्लियर, m टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, बात आ गई समझ में। तो आपका एक स्लोप जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, बात आ गई समझ में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, तो ध्यान रखना ये टेंजेंट भूलना मत, क्लियर। और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है क्या होती है, एक्स इक्वल टू के, क्लियर। एक बार बता दो भाई कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में आते रहते हैं इस टॉपिक पे, ये जो एम स्क्वायर कटता है ना, एम स्क्वायर वाला, इस टॉपिक में जेई एडवांस में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, बात आ गई समझ में मेरे प्यारे बच्चों।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई है या इसमें अभी आपको कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो कि इसमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? जी वाली फीलिंग आ रही है? कुछ भी कोई दिक्कत है क्या? कितने लोगों को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है? ठीक, क्वेश्चंस कराने तो दो भी। अब इसमें देखो, अभी फैमिली ऑफ सर्कल कराना है अपने को। यार आगे वाला जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, आगे वाला पोर्शन। तो ये ज़रूरी है कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो आप अच्छे से पढ़ के आ जाएं, क्योंकि आगे वाला पोर्शन नो डाउट जितना भी पोर्शन है उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो सब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सब मतलब तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप आज तक जो भी पढ़ाया है मैंने वो अच्छे से पढ़ लें। ठीक, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछते जाएं। ठीक, तो बताओ भाई। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है? आपको पहला काम क्या करना है, रिवाइज कर लो पूरा का पूरा, पूरा रिवाइज कर लो भैया। यहाँ तक सर्कल पढ़ा है, आगे के क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी देखो आगे के क्वेश्चन क्या होंगे, आगे के क्वेश्चन ऑलरेडी जेई एडवांस लेवल तक के होंगे सब। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ये बोलेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन मत कराओ। कोई ऐसा तो नहीं है जो बोलना चाहता है कि सर अच्छे क्वेश्चन मत कराओ, हमें तो वही क्वेश्चन करा दो, स्लोप एम है और ये है। ठीक, तो आगे के क्वेश्चन थोड़े से इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक, और वो आपके कई जो ब्रेन में आपका जो यहाँ पर, ठीक है, कुछ रुक गया है ना, जो यहाँ पे कुछ फंस गया है उसे निकालने में काम आएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उनका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ठहरे रहोगे, अगर थोड़े से भी डगमगाए तो उस प्रेशर के साथ ही बह जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात, अच्छे क्वेश्चन होंगे तो आप अब तक जो पढ़ाया है वो पढ़ के आ जाओ अच्छे से। ठीक, कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे, क्या लगता है हमारा जेई कब होगा, मार्च या अप्रैल? यार इसके बारे में तो क्या ही बता सकते हैं अभी, है ना, क्या ही बता सकते हैं इसके बारे में तो। ओके,